ओके गुड। अच्छा रिवीजन में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैडम हमें नोज रिवाइज करा दें और मैक्सिलरी साइनसेस, तो आज हम नोज और मैक्सिलरी साइनस रिवाइज करते हैं। नोज में देखें ना क्या है, सबसे पहले एक्सटर्नल नोज है। एक्सटर्नल नोज क्या है कि जो हम सामने से अपनी नाक देख रहे होते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल नोज होती है। एक्सटर्नल नोज क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ, अब नोज क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी और एक्सटर्नल नोज, इसके दो पार्ट्स होते हैं और इनको डिवाइड किया होता है, जो दो नेयर्स होते हैं हमारे, ये सेप्टम ने डिवाइड किया होता है। किसने किया होता है? सेप्टम ने, आपकी सेप्टम ने। अगर ये आप डायग्राम देखें, इफ यू सी द डायग्राम, दिस इज एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज ये क्या है, रूट ऑफ, यहाँ पे है कि रूट ऑफ द नोज है, ये रूट ऑफ द ब्रिज, ये रूट है ब्रिज की, ये आपकी एलाज है ये नोज की, ये जो साइड पे ये, और ये आपके नोस्ट्रल्स हैं जिसे हम कहते हैं नेयर्स। नोस्ट्रल्स हैं जिसे हम कहते हैं नेयर्स। ये अगर आप अंदर की तरफ देखें, अब अंदर की तरफ एक डायग्राम बताई हुई एक्सटर्नल नोज की, बताइए कि ये हमारी नोज नेजल बोन है और ये हमारा कार्टिलेज है, इसलिए तो हम नाक को बड़े आसानी से इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ये कार्टिलेज की वजह से हम बच्चों की नाक भी पकड़ के ऐसे हिलाते हैं ना चूनी मूनू करके, तो ये इस वजह से ये एक्सटर्नल नोज की, ये कार्टिलेज है। और जो नेजल बोन है, फ्रैक्चर बिल्कुल होता है। फ्रैक्चर इस तरह होता है कि अगर अगर आप किसी को ना ब्लो करो, पंच करो ऑन द फेस, तो सबसे आपका प्रोमिनेंट रीजन कौन सा होता है? दैट इज योर नोज। आपका प्रोमिनेंट रीजन नोज होता है जो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है? ये आपका, ये अब आप एक्सटर्नल नोज देखें कि द नोज, नोज के बारे में क्या है कि नोज कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। अंदर की तरफ जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, अंदर फिर कैविटी है वो है। अच्छा इस नोज को क्या ये एक ही है? नहीं, ये इसको दो में डिवाइड किया हुआ है। किसने डिवाइड किया हुआ है टू हाफ्स में? नेज, आपकी नेजल सेप्टम ने, नेजल सेप्टम ने। और ये जो है ये हमारे एलो ऑफ द नोज है, ये हमारे जो है एलो ऑफ द नोज है, और ये जो है हमारे नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स सबको पता है, नेयर्स भी कहते हैं, नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं, ठीक है? अभी आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई होगी। अब एक्सटर्नल नोज क्या है? एक्सटर्नल नोज की ये डायग्राम देखें कि एक्सटर्नल नोज जब हम कहते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पूरी जो नोज की रीजन होती है कौन कौन सी होती है। एक्सटर्नल नोज का ये रूट ऑफ द नोज है, ये आपकी ब्रिज ऑफ द नोज है, ये आपकी डोर्सम नेजाय है, ठीक है? और ये है, ये नेजोफेशियल एंगल है, नेजोफेशियल एंगल है, और ये आपके बेसिकली एला नेजाय है, एला नेजाय, ये एला नेजाय। और ये वाला जो अंदर की, ये है एलर नेजल सल्कस, एलर नेजल सल्कस। और ये जो जगह है जिसपे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, एला नेजाय है, और ये आपके दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, और ये सेंटर में जो है एंटीरियर ये है, ये आपका नेजल सेप्टम है। और ये देखें ये फिल्थ्रम है, ये एक एक्सटर्नल नोज की एनाटॉमी की एक ये नेजल रीजन है। अब एक्सटर्नल नोज के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल नोज को दो दो एलिप्टिकल ऑरिफिसेस हैं जिसे कहते हैं नॉस्ट्रल्स। बिल्कुल हमारे जो नाक के, नाक हर 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 रीजन की, हर रेस की नाक डिफरेंट होती है, और नोज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्यूटी पे भी। अक्सर एक्ट्रेसेस वगैरह को आप देखो तो ये नोज जॉब वगैरह करा रही होती है कि जब आपके फेस पे नाक खूबसूरत हो तो, आपके फेस पे नाक खूबसूरत हो तो क्या होगा, आप बड़े खूबसूरत लगेंगे, वाह वाह जी शहजादे, सारे शहजादे और शहजादियां बन गई हैं, ठीक है? तो ये नोज जॉब कराते हैं। फिर किसी की चपटी नाक होती है, किसी की फिन्नी नाक होती है, किसी की लंबी नाक होती है, ठीक है? किसी की तोते वाली नाक होती है, होती है। लेकिन इन नाक के अंदर दो सुराख जरूर होते हैं, दो सुराख जरूर होते हैं। अब वो दो सुराख किस लिए होते हैं, देखे ना, दो सुराख, एक तो हम जब सांस लेते हैं, when we inspirate और expirate, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जारी बात है, जब हम वजू वगैरह करते हैं तो हम अपने आप नाक को अंदर से साफ भी करते हैं, ठीक है? नाक को साफ भी करते हैं। और
इस नोस्ट्रल्स को फिर इस इनको सेपरेट हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसने किया हुआ है, नेजल सेप्टम ने किया हुआ है, नेजल सेप्टम ने किया हुआ है कि नेजल सेप्टम द एक्सटर्नल नोज इज डिवाइडेड इनटू टू ऑरिफिसेस व्हिच इज कॉल्ड नोस्ट्रल्स और नेयर्स एंड दीज आर सेपरेटेड बाय व्हिच, क्या दीज आर सेपरेटेड बाय बोन, दीज आर सेपरेटेड बाय मसल्स, दीज आर बेसिकली सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम. The lateral margins of the ala nasi is rounded and mobile. ये देखिए ये lateral margin, ये जो है ये rounded होते हैं और mobile होते हैं. आप हाथ से पकड़ के आप उसको हिला भी सकते हैं. सब अब हिलाना शुरू कर दो, तुम लोग सारे बैठे हुए हैं और अपने नाक की ये सारे ala nasi को हिलाना शुरू कर दो, ठीक है. ये है, समझ आ रही है यहाँ तक क्लास? किसी को कोई प्रॉब्लम है मैसेज मी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I'm talking to you. Okay, good, 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 good. Okay. अब हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं. The framework. अब ये जो external nose है, ये किस तरह बनी हुई है? क्या ये पूरी bone की बनी हुई है? नहीं. हम अपनी nose को आगे से tip से पकड़ के इसको हिला सकते हैं ना, ऐसे right left right left कर सकते हैं ना. और babies को देखे तो हम उनकी कहते पीनी सी nose ही है और यूं यूं करके हिलाना शुरू करते हैं. तो ये दो उससे बनी हुई है. Framework of external nose is made up of nasal bones, frontal process of maxilla, nasal part of frontal bone. Below the framework is formed by plates of hyaline cartilage. इसमें cartilage भी है, इसमें bone भी है. दो चीजें आप याद रखिए कि आपकी external nose किस तरह बनी. External nose आपकी एक इस तरह बनी हुई है कि आपका external nose में bones भी है और कार्टिलेज भी है, ठीक है. कार्टिलेज कौन सा है? हायलिन कार्टिलेज. और जो नोज है हमारी, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला यानी मैक्सिला का रीजन आता ही है, ठीक है, जो नेजल उसका बनाता है. अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. तो ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, ये आपकी नेजल बोन है, ये आपकी कार्टिलेज है, ये आपकी कार्टिलेज है. और सेंटर में क्या है? सेप्टल कार्टिलेज है, जो कि दो नेयर्स और नोस्ट्रल में डिवाइड करता है. और ये नीचे वाले कौन से हैं? लोअर नेजल कार्टिलेजेस. अब ये जो है नेजल बोन, अगर आप लेटरली देखो, व्हेन वी सी फ्रॉम द लेटरल साइड, फिर हमें क्या होता है कि सेप्टल कार्टिलेज है और नेजल बोन है. नेजल बोन आ गई, फिर सेप्टल कार्टिलेज. इसके साथ मुझे एक किस्सा याद आ गया कि मेरी क्लास फेलो थी, कॉलेज में थे, वो कहीं वॉशरूम में गिर गई, वॉशरूम में गिर गई. और जब वो उठी है, स्पेन में ज़ाहिर बात है जब आप गिरते हो तो एड्रेनलिन रश करता है, तो आपको पेन उस वक्त इतनी फील नहीं होती जितनी दर्द बाद में फील होता है. तो उस बेचारे ने जब अपने आपको शीशे में देखा तो उस बेचारे की जो नाक थी ना ऐसी टेढ़ी हो गई, तो उसने उसी टाइम उसको सीधा कर दिया. जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि जो काम हमने करना था आपने उस एड्रेनलिन को उसमें अपने ही नाक को खुद ही ठीक कर दिया. कि अगर आप लोगों में से खुदा ना खासा आप किसी को गुस्से में लड़के पंच पंच मार दे और लगे कि आप किसी क्लास फेलो का जी ये नाक शाक आप लोगों की साइड पे चली गई है, तो अपने हाथ से आप सीधा कर सकते हैं, उसके बाद देन यू कैन गो टू द डॉक्टर, ठीक है. इस तरफ फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब फ्रैक्चर भी नहीं है, बस अब ये उसको टाइम दें हील होने के लिए, ठीक हो जाएगा क्योंकि कार्टिलेज होता है. चले आगे चलते हैं. अब जो है ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज क्या है? एक्सटर्नल नोज की ब्लड सप्लाई क्या है? एक्सटर्नल नोज की ब्लड सप्लाई है स्किन. क्या करेगा? द स्किन ऑफ द नोज, the skin of the external nose is supplied by the branches of ophthalmic and maxillary arteries. Ophthalmic and maxillary arteries इनको skin, ये जो हमारी जिल्द होती है, skin होती है, इसको कौन, इस पे feeling होती है ना, इस पे feeling भी होती है. blood supply blood की सबके लिए necessary है. अगर नहीं होगी तो क्या होता है? अल्सर, गैंग्रीन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, खत्म हो जाती है, टिश्यू की डेथ हो जाती है. तो जो एक्सटर्नल नोज की जो ब्लड सप्लाई है, एक्सटर्नल नोज की ब्लड सप्लाई है, वो है ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज.
ब्रांचेस ऑफ एप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज। अब स्किन ऑफ एला, एला मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम आर आल्सो सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी। जो एला है वो ये से फेशियल आर्टरी सप्लाई करेगी, और एक्सटर्नल नोज की जो स्किन वगैरह, ये तो पूरी एक्सटर्नल नोज की जो स्किन है, ये जो स्किन है इसको कौन सप्लाई करता है? ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरी, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरी। और जो एला को सप्लाई करते हैं वो ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी करते हैं, ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? आगे चलूं क्लास, मेरे साथ रहो ताकि मुझे पता चले। यहां तक समझ आ गई है? ओके, आगे चलते हैं। अब है नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज। अब नर्व सप्लाई क्या है? एक्सटर्नल नोज क्या सप्लाई करती है? कौन सी नर्व सप्लाई करती है एक्सटर्नल नोज? द नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज इज इंफ्राट्रक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व मुझे रोल नंबर 73, किसकी ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व? किसकी ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व? कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसकी ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व? शाबाश, टेल मी। रोल नंबर 73, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3, 73 रोल नंबर। आर यू एब्सेंट मैम? 73 एब्सेंट। रोल नंबर 3 किधर है? मैम रोल नंबर 3 अब्दुल्ला साबिर। अब्दुल्ला साबिर, बेटा जब तक मुझे ये कोई नहीं बताएगा तो इस तरह तो मैं आगे नहीं चलूंगी। क्या आपको ये नहीं पता ऑप्थेल्मिक कि क्या है? ट्राइजर्मिनल की है, सामने लिखा हुआ है लेकिन पता नहीं चल रहा। वेरी गुड। और खंसा, ये जो क्रेनियल नर्व 5 है ना, ये मैंने इसका नाम पूछा था, ये तो मेरे सामने भी लिखा हुआ है। एंड द इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक नर्व्स जो हैं किसकी ब्रांचेस हैं? ट्राइजर्मिनल नर्व की ब्रांचेस हैं, ट्राइजर्मिनल नर्व की ब्रांचेस हैं। तो ये क्या है कि नर्व सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल नोज को। इसकी नर्व सप्लाई क्या है एक्सटर्नल नोज की? ट्राइजर्मिनल नर्व बेसिकली है, ट्राइजर्मिनल, फिर इसकी ब्रांचेस हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, नेजल कैविटी। अब हम आ जाते हैं नेजल कैविटी पे। नेजल कैविटी से पहले मैं एक दफा दोबारा आपको रिवाइज कर देती हूँ नोज के बारे में, कि नोज के बारे में हमने कहा कि नोज कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज को फिर दो हाफ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिन्हें हम फिर आगे अंदर की तरफ जो देखते हैं फिर उन्हें कहते हैं नॉस्ट्रल्स। और दो हाफ को जिसने डिवाइड किया वो है सेप्टम, और ये जो हमारे हैं एला नेजाए हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये एला एलर नेजल सल्कस है, ये आपकी एक्सटर्नल नोज हो। ये देखे डायग्राम देखे, ये आपकी कार्टिलेजनस है और ये आपकी नेजल बोन है, ये आपकी कार्टिलेजनस है, ये आपकी बोन है। तो ये जो बोन है, जो नेजल बोन है, बनती किससे है? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से बनती है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से बनती है, ठीक है। आपकी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला यानी नोज में दो चीजें आ गई आपकी एक्सटर्नल नोज में, एक तो आपकी बोन भी आ गई, दूसरी आपकी कार्टिलेज भी आ गई। चल आगे चलते हैं।
ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज। अब ब्लड सप्लाई क्या है एक्सटर्नल नोज की, एक्सटर्नल नोज को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, आखिर इसे भी तो नरिशमेंट चाहिए होती है, तो नरिशमेंट लेने के लिए इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, दैट इज स्किन को ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज करती है, ऑप्थेल्मिक करती है और मैक्सिलरी आर्टरी करती है, आपने ये दो चीजें याद रखी है, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज। अब एला स्किन ऑफ द एला को कौन सप्लाई करती है और लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम को कौन करेगी, लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम को कौन करती है, ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी। फिर हमने कहा कि एक्सटर्नल नोज की नर्व सप्लाई क्या है, एक्सटर्नल नोज की नर्व सप्लाई क्या है, एक्सटर्नल नोज की जो नर्व सप्लाई द इंफ्राट्रोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, यानी ऑप्थेल्मिक नर्व है और मैक्सिलरी नर्व। अब नेजल कैविटी पे आ जाते हैं, नेजल कैविटी अच्छी खासी, मतलब अब ये जो है ना कैविटी, ये आपकी जो है आपका म्यूजियम है उसके अंदर एग्जैक्टली इस तरह डायग्राम बनी हुई है जिसके जिसके ऊपर कॉन्कास हैं और फिर उसके ऊपर हम निशान लगाते हैं कि ये मिडल है, इन्फीरियर कॉन्का है, ये कौन सा है, और फिर उन पे भी निशान लगाते हैं जो मिडल और इन्फीरियर नेजल कॉन्कास के बीच, मतलब ये आप डायग्राम जो है ये डायग्राम इस तरह इम्पोर्टेंट है कि आपने इस तरह पढ़नी है, क्योंकि इसकी इसके ऊपर हमारे पास पूरा बहुत बड़ा मॉडल पड़ा हुआ है म्यूजियम, बड़ा मॉडल पड़ा हुआ है म्यूजियम में, तो उसमें देखते हैं, उसमें फिर आप देखेंगे। अब नेजल कैविटी है, आप ये डायग्राम गौर से देखो, ये डायग्राम गौर से देखो, याद करो। अब हम नेजल कैविटी पढ़ते हैं, नेजल कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स, बिल्कुल आपको पता है नॉस्ट्रल्स से अंदर की तरफ, इन फ्रंट टू द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स, अपर्चर्स वही सुराख होते हैं, बिहाइंड वेयर द नोज ओपन इनटू द नेजो फेरिंग्स। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये आपके नोस्ट्रल्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ आप उंगली लेके जाए तो बंदा अपनी, व्हेन यू पिक योर नोज तो कैसे बंदा मसरूफ होता है अपनी नोज पिक करने में, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, इट इज अ बैड हैबिट, लेकिन फिर भी आप नाक आप उंगली को जाए तो आपकी इधर तक तो जाती जाती है, तो ये आपकी ओपन होती है नेजो फेरिंग्स पे जाके, ठीक है। इसके अब नेजल कैविटी की एक्सटेंशन बताई गई है, नेजल कैविटी की एक्सटेंशन बताई गई है, नेजल कैविटी क्या है, अब नेजल कैविटी इंपॉर्टेंट है, नेजल कैविटी इस तरह इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि ये जो है ना, एक तो इसके मॉडल्स पड़े होते हैं, एग्जैक्टली इस तरह मॉडल होगा, ऐसे मॉडल पड़ा होता है लेकिन वो रेड कलर का है, नेजल कैविटी एक्सटेंड होता है आपको पता है, नॉस्ट्रल से एक्सटेंड होता है और जाके सीधा जाता है और ओपन होता है नेजो फेरिंग्स पे, यानी यहाँ से आपने उंगली घुसाई तो टिक टिक यहाँ तक ही पहुंचती है, इसके बाद आगे उंगली नहीं पहुंचती, फिर ये जाके ओपन होता है, टिक 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 जाती है और यहाँ तक आके ये ओपन होती है, ये आती है ओपन हो जाती है नेजो फेरिंग्स पे। अगर आप देखो जब आप नाक में कतरे डालते हो तो वो क्या करते हैं, आपको गले में फील होते, वो आपको क्या करते, गले में फील होना शुरू हो जाते नाक के पास, इसे कहते हैं जब रोजा हो तो नाक और कान में कतरे नहीं डालने चाहिए, इससे रोजा मकरू हो जाता है, क्योंकि तो साथ साथ मैंने आपको इस्लामी नॉलेज भी दी। अब नेजल वेस्टिब्यूल इज द एरिया ऑफ नेजल कैविटी लाइंग जस्ट इनसाइड द नोस्ट्रल, ये हमारी नोस्ट्रल है, ठीक है, नोस्ट्रल कैविनियर्स हैं,
इसके अंदर एक एरिया होता है जिसको पूरा कवर किया होता है, वो कहते हैं वेस्टिब्यूल, जिसने नॉस्ट्रिल को अंदर से कवर किया, जिसने नॉस्ट्रिल्स को अंदर से कवर किया. ये देखिए ये क्या है, जिसने नॉस्ट्रिल्स को दो में और नेयर्स को दो में डिवाइड किया. ये आपके क्या थे, मैक्सिलरी साइनस था, ये जो मैं साइनसेस आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए अभी जब रिवीजन पे आऊंगी फिर कराऊंगी. ये देखिए तो ये नेजल सेप्टम ने इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर, इसलिए ये हमारे पास दो हिस्सों में. The nasal cavity is divided into right and left half by nasal septum. The septum is made up of septal cartilage. ये क्या है? Cartilage. The vertical plate of ethmoid and woomer. ये किसकी plate होती है? कौन सी bone की? Vertical plate किसकी है? Ethmoid और woomer की है. Ethmoid और woomer की bone. ठीक है? Nasal cavity. The nasal cavity kya hai? Is divided into right and left half by nasal septum. The septum is made up of septal cartilage, the vertical plate of ethmoid and woomer. Ye aapka ho gaya nasal septum ke bare mein ki nasal cavity ko kis tarah divide kiya. Walls of nasal cavity. Students, walls of nasal cavity wagaira bahut important hai. Is pe questions aate hain. मुझे नहीं पता डॉक्टर जारा का, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से आई होप कि आप थोड़ा सा इनको गौर से पढ़िएगा. ये जो है वॉल्स और ये जो है ना, ये इन पे कभी कभी नोट आ जाता है छोटा छोटा सा, एक नंबर का भी आ जाए, 0.25 का आ जाए या 0.5 का आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो होता है ना. ईच हाफ ऑफ नेजल कैविटी, ये जो है ये कैविटी, ईच हाफ ऑफ द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू रूफ, फ्लोर, मिडल वॉल और लेटरल वॉल. मिडल वॉल, लेटरल वॉल, रूफ और फ्लोर में डिवाइड किया ईच हाफ. ठीक है, चले आगे चलते. अब हम पढ़ेंगे फ्लोर. फ्लोर पढ़ेंगे. द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बॉन. The palatine process of maxilla and horizontal plate of palatine bone. अब roof, roof किस तरह बनते हैं? Roof. जब हम nasal cavity को देखते हैं तो nasal cavity की ये जो आपके elevated जगह होती है तो ये concas होते हैं. सबसे पहला superior concha, middle concha और इंफीरियर कॉन्का, और इनके दरमियान जो स्पेस होती है ये मिएटस होते हैं. सुपीरियर मिएटस, मिडिल मिएटस और इंफीरियर मिएटस. और इंफीरियर मिएटस. अब हम रूफ की बात करते हैं. रूफ किस तरह बनेगा, यानी छत की बात करते हैं, रूफ की बात करते हैं. द रूफ, ये द रूफ इज नैरो and is formed anteriorly beneath the bridge of the nose by the nasal and frontal bones. Nasal bone or frontal bone, in dono se ye roof banta hai. In the middle of the cribriform plate of ethmoid bone, located beneath the anterior cranial fossa and posteriorly by the downward sloping बॉडी ऑफ स्फिंगर. रूफ जो है ये आपका रूफ है. रूफ के बारे में है कि नैरो है और ये बोन से जो बनता है वो है नेजल बोन और फ्रंटल, और जो आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेटो है एथमोइड बोन. और इसकी लोकेशन क्या है कि लोकेटेड है एंटीरियर क्रैनियल फोसा में और पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियरली बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ स्फिनॉइड बोन. यहाँ पे ये आपकी स्फिनॉइड बोन, लेकिन ये आपका मेन है, ये आपकी मेन है. ठीक है, चले आगे चलते हैं.
ये आपके पास 1 मिनट है, इसको रिवाइज करो। आपके पास 12 मिनट्स हैं, 1 मिनट है, रिवाइज करो इसको। चल अब रूफ, द रूफ हो गया, अब हम आगे चलते। लेटरल वॉल, अब हम लेटरल वॉल, लेटरल वॉल हैज 3 projections ऑफ बोन कॉल्ड मिडिल, सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्कास। ये एक, ये और एक ये। द स्पेस बिलो ईच कॉन्का, द स्पेस बिलो ईच कॉन्का इज कॉल्ड मिएटस। और इसके बारे में, इस पे जरूर हम पिंस लगाते हैं, जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो हम इस पे जरूर पिंस लगाएंगे, बड़े शौक से लगाएंगे। तो लेटरल वॉल, अब ये लेटरल वॉल, लेटरल वॉल किस तरह बनती है? लेटरल वॉल बनती है कि द लेटरल वॉल हैज 3 projections ऑफ बोन कॉल्ड सुपीरियर मिडिल and inferior nasal conchas, and below each concha we have meatus, superior meatus, middle meatus and inferior meatus. ठीक है, inferior meatus. अब देखते हैं, आगे देखते हैं. अब स्फीनो एथमोइडल रीसेस के बारे में बात, ये स्फीनो एथमोइडल रीसेस, ये आगे फिर और फर्दर आगे एक्सप्लेन कर। द स्फीनो एथमोइडल रीसेस इज स्मॉल एरिया अबाउ द सुपीरियर कॉन्का, सुपीरियर नेजर कॉन्का के ऊपर एक छोटा सा एरिया है। इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ स्फीनोइड एयर साइनसिस, कौन सी ओपनिंग रिसीव करेगा? स्फीनोइड एयर साइनसिस करेगा, स्फीनोइड एयर साइनसिस। अच्छा, अब स्फीनो एथमोइडल रीसेस अगर आपसे पूछे कि स्फीनो एथमोइडल रीसेस क्या है, तो आप कहेंगे कि एक स्मॉल एरिया है जो कि प्रेजेंट है अबाउ द सुपीरियर कॉन्का। तो भाई इस रिसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज ओपन हो रही है इसमें, जिसमें ओपन होती है स्फीनोइड एयर साइनसिस। ठीक है, स्फीनोइड एयर साइनसिस। अब आगे चलो, सुपीरियर मिएटस, हमने कहा कि कॉन्कास के नीचे मिएटस है, द सुपीरियर मिएटस, द सुपीरियर मिएटस लाई बिलो द सुपीरियर कॉन्का, द मिडिल मिएटस लाई बिलो द इंफीरियर मिडिल कॉन्का, और इंफीरियर मिएटस लाइज बिलो द इंफीरियर कॉन्का। ठीक है, ये चीज है। अब सुपीरियर मिएटस की बात, सुपीरियर मिएटस लाइज बिलो द सुपीरियर कॉन्का। ठीक है, सुपीरियर कॉन्का के नीचे है एक एरिया है, छोटा सा एक है जो जिसे कहते हैं सुपीरियर मिएटस। अब इस सुपीरियर मिएटस की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों है, इसके अंदर से क्या गुजर रहा है, ये किस चीज की ओपनिंग है मिएटस? जी ये है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसिस, पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसिस की ओपनिंग। किसकी ओपनिंग है? पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसिस की ओपनिंग। चले आगे चलते, अब मिडिल मिएटस, सुपीरियर के बाद मिडिल मिएटस होगा, मिडिल नेजल कॉन्का, ये फिर मिएटस होगा, इसके नीचे मिएटस होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी साइनसिस भी है। ठीक है,
अब मिडल मिएटस के बारे में, मिडल मिएटस, द मिडल मिएटस लाइज बिलो द मिडल कॉन्का, इट हैज राउंडेड स्वेलिंग विच इज कॉल्ड बुल्ला, विच इज कॉल्ड बुल्ला, एक राउंडेड स्वेलिंग है जिसे कहते हैं बुल्ला, बुल्ला एथमोइडालिस, जिसे कहते हैं बुल्ला एथमोइडालिस, ठीक है, बुल्ला एथमोइडालिस। द कर्व्ड ओपनिंग, द कर्व्ड, यानी अगर आपसे आपसे एमसीक्यू आ सकता है और पूछा जा सकता है बुल्ला एथमोइडालिस मतलब किसके, मतलब कहाँ पे है, किस तरह बनता है और किसके नीचे, तो आपको पता होना चाहिए कि मिडल मिएटस वगैरह और बुल्ला एथमोइडालिस जो है ये क्या करता है, एथमोइडालिस दैट इज फॉर्म्ड बाय मिडल एथमोइडल एयर साइनसेस व्हिच ओपन इन इट्स अपर बॉर्डर, अ कर्व्ड ओपनिंग, अ कर्व्ड ओपनिंग दैट इज कॉल्ड हायटस सेमिल्यूनरिस, हायटस सेमिल्यूनरिस जस्ट बिलो द बुल्ला एथमोइडालिस, ये हायटस सेमिल्यूनरिस है, ये बुल्ला एथमोइडालिस, द कर्व्ड ओपनिंग, ये जो कर्व ओपनिंग जिसे कहते हैं हायटस सेमिल्यूनरिस, इट लाइज बिलो द बुल्ला एथमोइडालिस, द एंटीरियर एंड ऑफ हायटस लीड्स टू फनल शेप चैनल विच इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, विच इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, which is continuous with the frontal sinus, which is continuous with the frontal sinus, the maxillary sinus opens in the into the middle meatus through hiatus semilunaris, yani ab maxillary sinus jo hai, jo maine aapko maxillary sinus bada sinus bataya tha, ab wo kis mein open hota hai, iske andar open hai, hiatus semilunaris, hiatus सेमीलुनरिस में ओपन, ठीक है बेटा, अगर इस मिडल मिएटस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो ताकि मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूं, क्योंकि ये मिडल मिएटस की ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने समझनी है, शुड आई रिवाइज इट फॉर यू गाइस, ये नहीं समझ आ गई है, इट्स ओके, हाइटस सेमुलेरस सेमुलेरस हाइटस, अच्छा ठीक है, हमने कहा मिडल मिएटस, मिडल मिएटस आपको पता है किसके नीचे पड़ा है, कॉन्कास के नीचे पड़ा है, जो भी कॉन्का होगा उसके नीचे मिएटस पड़ा है, अच्छा अब ये जो मिडल मिएटस है ये एक स्वेलिंग है, एक स्वेलिंग है, अब ये जो स्वेलिंग है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बुल्ला एथमोइडालिस, बुल्ला एथमोइडालिस, अब ये जो है किससे बनता है, बुल्ला एथमोइडालिस, ये जो है अब ये जो स्वेलिंग है जिसे कहते हैं बुल्ला एथमोइडालिस, ये किससे बनता है, ये बनता है एथमोइडल एयर साइनसिस से, एथमोइडल एयर साइनसिस से बनता है, और इसकी एक कर्व्ड ओपनिंग होती है, जो कर्व्ड ओपनिंग होती है इसे कहते हैं हाइटस सेमिनुलरिस, ये देख, और ये जो है ये है, इट इज इंफीरियर टू बुल्ला एथमोइडालिस, यानी बुल्ला एथमोइडालिस इसके ऊपर पड़ा है, द एंटीरियर एंड ऑफ हायटस लीड्स टू फनल शेप चैनल कॉल्ड इनफंडिबुलम व्हिच इज, अच्छा अब ये फनल शेप चैनल में आगे ये लीड करेगा जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम, और आगे वो ओपन करता है फ्रंटल साइनस में, एक तो ओपन करेगा फ्रंटल साइनस में, दूसरा मैक्सिलरी साइनस किस में ओपन होता है, मैक्सिलरी साइनस ओपन होता है इनटू द मिडल मिएटस, एम फॉर मैक्सिलरी एम फॉर मिडल, मिडल मिएटस किसके थ्रू, इसके थ्रू ओपनिंग हो, ठीक है यहां तक अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, आगे चले, आपने ये चीजें याद रखनी है कि किस मिएटस में कौन सी ओपनिंग हो रही है, मैक्सिलरी साइनस ओपन होता है मिडल मिएटस में, हमें पता है एम फॉर मैक्सिलरी एम फॉर मिडल मिएटस,
लेकिन ये जो है किसके थ्रू होता है? हाइटस सेमिलुनेरिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? हाइटस सेमिलुनेरिस के थ्रू होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इंफीरियर मीटस की बात करते हैं। इंफीरियर मीटस, इंफीरियर मीटस आपको पता चल गया कि इंफीरियर मीटस lies below the inferior concha and it receives opening of the lower end of nasolacrimal duct, nasolacrimal duct, which is guarded by the fold of mucous membrane. आपके लिए important चीज ये है कि inferior meatus कहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके अंदर क्या चीज ओपन हो रही है? नेसोलैक्रिमल डक्ट रिसीव ओपनिंग ऑफ नेसोलैक्रिमल डक्ट ओपन। ठीक है, नेसोलैक्रिमल डक्ट ओपनिंग हो रही है। आगे चलते हैं। अब मीडियल वॉल, मीडियल वॉल ऑफ नेजल। The medial wall is formed by nasal septum. The upper part is formed by vertical plate of ethmoid and woomer. The interior part are formed by the septal cartilage. The septum really lies in the middle line, increasing the size of 1/2 of the nasal cavity and decreasing the size of other. ये होता है कि उसके बारे में ये है कि रियरली सेप्टम ऐसे तो मिडल में दोनों हमारे नॉस्ट्रल सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि जरूरी नहीं है कि ये मिडल में ही हो और दोनों नॉस्ट्रल्स हमारे जो इक्वल हाफ में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा साइड पे। अक्सर हम देखते हैं ना, एक हमारे नाक का सुराख बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। ऐसी है ना, एक नाक का सुराख हमारा बड़ा होगा और एक छोटा होगा। चले आगे चलते, अच्छा चले आगे चलते हैं। ये पढ़ो, यू हैव वन मिनट। रिवाइज करो इसे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेजल कैविटी, हमारी नाक ड्राई नहीं होती, हम सबको पता है। तो किस तरह है? Mucous membrane of nasal cavity, vestibule is lined with modified skin and coarse hair. आपको पता है नाक में बाल भी होते हैं। क्यों है? क्योंकि ये dust particles वगैरह जो हम करते हैं, ये जो inhale वगैरह करते हैं, तो ये dust particles ये बाल इनको trap करते हैं ताकि कोई मसला ना हो। इसलिए तो हमारे ये allergy वगैरह हमारी कम होती है। जिनके problem होते हैं allergies का, वो तो खैर है, कोई बात नहीं, उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी एलर्जी वगैरह इससे प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्शन देती है। द एरिया अबव द कॉन्का इज लाइंड विद द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स नर्व एंडरिंग सेंसिटिव टू रिसेप्शन ऑफ स्मेल। स्मेल इनकी वजह से जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, इन्फेक्शन ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा की जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये जो सुपीरियर कॉन्का के अबव, जो सुपीरियर कॉन्का के अबव जो एरिया है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की नर्व एंडिंग्स पड़ी होती है और ये जो है स्मेल की रिकॉग्निशन करती है, खुशबू आना। इसलिए तो देखो ना, इस पे अफेक्ट किया था कोरोना में, तो लोगों की सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट ही चला गया, उनको कुछ स्मेल ही नहीं आ रही। द लोअर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इज लाइंड बाय रिस्पायरेटरी म्यूकोस। अच्छा, जो अपर एरिया होगा ना ऑल्फैक्टरी म्यूकोस, और जो लोअर होगा ना रिस्पायरेटरी म्यूकोसा। अ लार्ज प्लेक्सस ऑफ वेन्स इन द सब म्यूकस
connective tissue is present in the respiratory region. Function kya hai? Function of warm blood and mucus of the mucous membrane. Kya function? The presence of warm blood in the venous plexus serves to heat up the inspired air as it enters the respiratory system. Aur mucus kya karega? Trap karta hai foreign object organisms ko, jo bhi particles vagaira hote hain, sara wo phir gastric usme jate hain aur usko tabah barbaad kar dete hain juices. ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को? चलो बेटा, आज मैं 5 मिनट पहले ऑफलाइन हो जाऊंगी, क्योंकि ये आपका टॉपिक हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा. ठीक है, 5 मिनट तो नहीं, मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम. ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू. अच्छा, अब जो है नर्व सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी क्या? नर्व सप्लाई, अब हमने नर्व सप्लाई उसकी पढ़ ली एक्सटर्नल नर्व्स की, अब नेजल कैविटी की क्या है? ये देखिए, ऑल्फैक्टरी नर्व्स फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन असेंड्स थ्रू द पैपिलरी फ्रॉम प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स. The nerves of auditory sensation are branches of thalamic division of maxillary and trigeminal. ये वही है, maxillary और trigeminal divisions हैं. और क्या है कि ये olfactory mucous membrane कहाँ से ये send करेगा? Primarily from plate of ethmoid bone to but लेकिन जो nerves हैं उनकी वही है, maxillary और trigeminal nerves. Maxillary और trigeminal. तो इसमें कोई आगे परेशानी वाली बात नहीं है. लेकिन मैंने इसलिए अलग अलग कराया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए सभी मैंने आर्टेरियल और सब का कुछ अलग करा दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे. अच्छा, अब आगे चलते हैं. ब्लड सप्लाई क्या है? उसका तो आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल नोज की स्किन को किसने सप्लाई किया था, एला की किसने सप्लाई किया था. अब इसका क्या? द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी is from branches of maxillary artery, one of the terminal branches of external carotid artery. The most important branch is venopalatine artery. Yani aapne ye naam yaad kar lo, itna us waqt exam mein pressure hota hai na beta, agar aap sirf naam likh lo na, theek hai. Venopalatine artery anastomosis with septal branch of superior labial artery, superior labial branch of facial artery in the region. आप लिख लो सिंपल, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. ठीक है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ आपकी जो ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी है और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. द म्यूकस वीनस प्लेक्सस इज ड्रेन्ड बाय वेन्स दैट एकंपनीज द आर्टरी. ठीक है, ये एकंपनी कर. अब आगे चलते, क्लिनिकल नोज. क्लिनिकली अब देखे ना, नोज के साथ बेचारी नाक के साथ तो बड़ी असलियत नाक होती है. कोई भाग रहा होता है, भाग रहा टक्कर लग ले तो क्या होता है? सबसे पहले नाक को ही लगती है. लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना. फिर उसके बाद आप देखो कि कोई और ट्रॉमा, कोई आपको पंच मार दे तो कहीं लगे या ना लगे, नाक पे लगती है. इतनी बड़ी बेचारी अजियत का शिकार होती है. कहीं ये नाक आप जिस चीज में भी घुसाते हो ना तो उस वक्त मसले मसाइल पैदा हो जाते. तो अपनी नाक अपने पास रखा करें. ट्रॉमा टू नोज. अब आपकी क्लिनिकल नोट शुरू हो गए, आपके ब्लू बॉक्सेस शुरू हो गए. ठीक है, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द नेजल बोन कॉमन है, जो मैंने आपको कहा बेचारी हर जगह बेचारी रगड़ी जाती है. ब्लोज डायरेक्टेड फ्रॉम front may cause one or both nasal bones to displace downward and inward. Lateral fractures are also occur in which one nasal bone is